पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी में फंसे कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी। भाजपा नेता ने कांग्रेस महासचिव के खिलाफ कराई एफआईआर। यूपी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी के खिलाफ भाजपा नेता ने मुकदमा दर्ज कराया। गौरतलब हो कि यूपी कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी ने बीते दिन संभल सदर इलाके में चंदौसी रोड स्थित कांग्रेस नेता की आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अपनी प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता बदजुबानी की हदें पार करते हुए पीएम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर भाजपा नेताओं में आक्रोश पनप गया। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी और मोर्चा के जिला कार्यालय प्रभारी अक्षित अग्रवाल ने सदर कोतवाली में कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अक्षित अग्रवाल ने बताया कि पीएम मोदी को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी ने जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इससे कोई भी भाजपाई बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी को लेकर सचिन चौधरी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे लेकर कोतवाली संभल में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर कराई है। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने बताया कि अक्षित अग्रवाल की तहरीर के आधार पर कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया। अक्षित अग्रवाल द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। अनविधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी के खिलाफ 153A, 504 एवं 505 दो धाराओं में मुकदमा दर्ज है। गजेंद्र सिंह, ब्यूरो चीफ, मुरादाबाद। संभल कोतवाली आप आए हैं, आपने पुलिस को तहरीर दी है, क्या मांगे आपकी और किसके खिलाफ कार्रवाई की है? मेरा नाम अक्षित अग्रवाल है, भाजपा युवा मोर्चा जिला कार्यालय प्रभारी हूँ, जनपद संभल। सचिन चौधरी जी हैं महासचिव कांग्रेस, जो हापुड़ निवासी हैं। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोले हैं, साथ ही देश के प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोले हैं, और साथ ही हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। साथ ही देवी देवताओं को भी आहत, देवी देवताओं के लिए भी बोलकर हिंदू लाखों हिंदुओं के सनातनियों के भावनाओं को आहत किया है। इन जैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से आपने देखा है कि कांग्रेस बौखला चुकी है, क्यों बौखला चुकी है? कांग्रेस में क्या होता था, जिस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहाँ पे ये लोग जो है विकास तो कर नहीं पाते थे, या ये क्या करते थे, अपना विकास करते थे। ये लोग पार्टी के कार्यकर्ता अपना विकास करते थे, जैसे धानलेबाजी करते थे। अब धानलेबाजी करने को नहीं मिल रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में है, प्रधानमंत्री जी ये देश चला रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश चला रहे हैं, उनके राज में कोई भी धानलेबाजी नहीं हुई है, कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है। इन लोगों पे कांग्रेस के कहीं ना कहीं पेट में दर्द है कि धानलेबाजी हो, धानलेबाजी हमें करने को मिले, कांग्रेस को करने को मिले, कांग्रेसियों को धानलेबाजी करने को नहीं मिली, इसलिए प्रधानमंत्री जी के लिए आप शब्द बोले जा रहे हैं। कौए के कोसने से ढोर नहीं मरते हैं, ये मैं साफ कर रहा हूँ, कौए के कोसने से ढोर नहीं मरते हैं, उस तरह का शब्द इन लोगों के कांग्रेसियों के दिल में है, दिमाग में। एक बात साफ कर देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के लिए हमारे ईष्ट हैं, देवी देव हमारे लिए ईष्ट हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, उनके लिए अब शब्द बोला तो ये बर्दाश्त से बाहर रहेगा हर कांग्रेसी के लिए, हर उस विरोधी के लिए। ये बात साफ कर देता हूँ, मैं संभल प्रशासन से मांग करता हूँ कि उन पर कठोर, सचिन चौधरी जी पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और साथ ही इनके साथियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और इन्हें कारावास दिया जाए। क्या पुलिस को तहरीर दिया आपने? जी, मैंने संभल कोतवाली में तहरीर दिया। क्या मांग है अब आपकी? मेरी यही मांग है कि इन पर कार्रवाई हो जल्द से जल्द। श्री अक्षित अग्रवाल पुत्र श्री मुनीष अग्रवाल निवासी थाना क्षेत्र कोतवाली संभल ने थाने पर आकर सूचना दी कि श्री सचिन चौधरी द्वारा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ आपत्तिजनक शब्द बोले हैं, एवं इसके संदर्भ में उन्होंने साक्ष के क्रम में वीडियोग्राफी उपलब्ध कराई है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, शीघ्र ही साक्ष संग्रहण करते हुए प्रकरण में कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।